बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम लाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट चने। और ये बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। करना आपने क्या है जनाब, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। हाफ के जी मैंने व्हाइट काबली चने लिए हैं, जिसको मैंने तकरीबन कोई 7 से 8 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे पहले मैंने इसका पानी चेंज किया है अच्छे से, ये बात भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप चनों को भिगो के रखें तो एक दफ़ा धो भी लिया करें, ठीक हो गया। यहाँ पे इसमें 2 टेबलस्पून जाएगी मसूर की दाल, 2 टेबलस्पून, और चम्मच को यहीं पर साफ कर लेते हैं ताकि एक भी दाना ज़ाया ना हो, ये बहुत अहम बात होती है, इसको नोटिस किया करें। 2 ग्लास इसमें पानी के ऐड कर देते हैं, टोटल ये 2.5 ग्लास बन जाएंगे। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक, ताकि इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस्ड रहे। तो ये लें जी, पानी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए सीटी लगाएंगे। तो 10 मिनट में ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो उसी दौरान हम क्या करेंगे, टाइम अपना ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने पानी लिया है और पानी में मैंने 3 प्याज नॉर्मल साइज़ के काट के ऐड कर दिए। ये पानी है इसके अंदर तकरीबन 1 ग्लास, और ये है हमारे पास 4 बड़े जवे लहसुन के, ये है अदरक का 1 इंच का पीस, और ये है हमारे पास 4 हरी मिर्चें और 2 बहुत ही खूबसूरत बड़े साइज के टमाटर, ठीक हो गया। अब इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे करेंगे बॉयल, और देखिएगा इतनी प्यारी चीज़ हम ये करने लगे हैं कि हमारे चनों में कहीं कोई प्याज कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसके ऊपर हम ढक्कन रख देते हैं और इसको हम बॉईल करेंगे कोई 7 से 8 मिनट, तेज़ आंच के ऊपर करिएगा। तो यहाँ पे हो चुके हैं 8 मिनट, और ये जो सब्जियाँ हैं, ये हरे मसाले, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। जूसर मशीन होती है ना, जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, इसमें इसको ब्लेंड कर लेते हैं। और देखिए ये मसाला जो है ये पिस गया है। अब ये मेरे पास एक आलू है जिसको मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं, 1 आलू मीडियम साइज़ का। तो इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। चलें जी, ये हमारे जो चने हैं काबली चने हाफ के जी जो हमने लिए थे, 10 मिनट में बहुत अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। ये देखें आप, अगर इसमें थोड़ी बहुत कसर रह भी जाए ना, तो वो बाद में हम डील कर लेते होते हैं। इसका पानी मैंने निकाल लिया जो बाद में हम यूज़ करेंगे। तो आइए मेन रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी प्यारी सी कढ़ाई में 1 कप लेंगे हम कुकिंग ऑयल का, और ये ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब एंड होगी रेसिपी की तब आप देखिएगा। ये बैटर जो हमने अभी तैयार किया है, हरे मसालों को हमने बॉयल करके पीस लिया था। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें पानी का खंगाल ऐड कर लेते हैं, तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से इस ऑयल में पकाएंगे, इस तमाम बैटर को भुनेंगे, ठीक हो गया। तेज़ आंच के ऊपर ये होगा। तो ये देखें कलर चेंज हो रहा है माशाल्लाह से। अब असल पकाई, असल जो फ्लेवर हमने इसका डिवेलप करना है ना, वो यहीं पर होगा। 2 छोटी इलायचियाँ ऐड कर देते हैं खुशबू के लिए। 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च जाएगी इसमें, यानी कि चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, इन दोनों का फ्लेवर अलग होता है। 1 टेबलस्पून नमक का जाएगा, और ये है हल्दी 1/2 टीस्पून, ये है हमारे पास 1 टीस्पून गरम मसाला, और ये है चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, चिकन पाउडर। और ये है हमारे पास आमचूर, ये 1/2 टीस्पून जाएगा, ये भी आपको किसी पंसारी हकीम से इजीली अवेलेबल होगा। इन केस आपके पास नहीं भी है चिकन पाउडर और ये आमचूर, तो ये इतने ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैंने इसलिए ऐड किए क्योंकि जो रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है उसमें ये चीज़ें जाती हैं, तो इसलिए मैंने इनको ऐड किया है। आपको अगर नहीं अवेलेबल तो आप ना ऐड करें। अच्छे से मसाले में इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखें, मैंने कुछ मसाले जैसे ज़ीरा और खुश्क धनिया वो ऐड नहीं किया, क्यों मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पे इसमें चने ऐड करेंगे और इनको कर लेंगे मिक्स। अब यहाँ पे आपने घबराना नहीं, इनको तेज़ चम्मच के साथ आराम से मिक्स मतलब कर लें, ये घुल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये घुले हुए होते हैं। अब यहाँ पे इसमें जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, और ये है हमारे पास काली मिर्च का पाउडर, ये भी 1 टीस्पून जाएगा। अब ये मसाले मैंने चने डालने के बाद तकरीबन 8-10 मिनट चनों को भून लिया था, तब मैंने ऐड किए।
ये एंड पे क्यों ऐड किए, ताकि इनकी जो ताज़ा ताज़ा सी ये खुशबू होती है वो बरकरार रहे। अगर हम स्टार्ट में डाल देते तो कलर तो हमारे सालन का एक ब्लैक सा हो ही जाना था, इन मसालों की खुशबू भी कम हो जानी थी। अब यहाँ पे ये हमने जो पानी बचाया था ना, जिसमें चनों को हमने बॉयल किया था, ये हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर लेंगे, क्योंकि चने ये गाढ़े अच्छे नहीं लगते, थोड़े से पतले अच्छे लगते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा पतले करने हो तो आप और इनको पतला कर सकते हैं। दो चुटकी इसमें मीठा सोडा एंड पे ऐड करेंगे, जिससे हमारा ये जो सालन है, ये ग्रेवी है, ये थोड़ी सी फ्लफी हो जाएगी। ये देखें आप, इसमें थोड़ी सी आपको बबल्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट का दम लगाएंगे। ठीक है, और ये आंच को हम बिल्कुल लो कर देंगे। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए आप, चने हमारे माशाल्लाह से तैयार हैं और ये देखिए आप, इसकी ग्रेवी कितनी शानदार है। आइए प्लेट में डालते हैं इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यार प्यार दोस्तों, अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया या कुछ भी अच्छा दिखाया, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिए। इजाज़त, अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।